जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में ये लेक्चर स्टार्ट किया था। हमने काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया कि हम एल्गोरिदम क्यों सीखते हैं, फिर हमने प्रोग्रामिंग से रिलेटेड के प्रोग्रामिंग क्या है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस हम कैसे देते हैं, कंप्यूटर से बात करने के लिए उसकी लैंग्वेज आना ज़रूरी है, कंप्यूटर की प्योर लैंग्वेज या उसकी मदर लैंग्वेज कौन सी है। जैसे हमसे बात करने के लिए अगर कोई हमारी मदर लैंग्वेज में बात करता है तो हम उसको विदाउट एनी हेजिटेशन उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फिर हमने देखा कि कंप्यूटर की जो प्योर लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज, उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवाएं दैट आर वेरी क्लोज टू ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज। जैसे जो मैट्रिक स्टूडेंट हैं बेसिक लैंग्वेज पढ़ते हैं 10th क्लास में, तो वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जो ICS के स्टूडेंट हैं वो पार्ट टू में सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो वो भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हमने देखा हाई लेवल लैंग्वेज को लिखते कैसे हैं, फिर हमने देखा कि कैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल में कंप्यूटर को समझाने के लिए, क्योंकि हम उससे अपना काम करवाना चाहते हैं, और जब तक हम उससे उसकी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे वो हमारा काम नहीं करेगा। आज हम देखेंगे एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या है। एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसको डिफरेंट स्टेप्स में लिख लेते हैं ताकि हम भूल ना जाए, हमें याद रहे कि हमने इस काम को परफॉर्म करने के लिए या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप कौन सा परफॉर्म करना है, दूसरा स्टेप कौन सा परफॉर्म करना है, तीसरा कौन सा परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल, हम एक घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। हम उसके लिए पहले कोई लोकेशन देखेंगे जिसमें आपकी आपके फादर, आपकी मदर, आप खुद लोग डिस्कस करेंगे किस एरिया में घर होना चाहिए। उसके बाद हम वहाँ पे ज़मीन ख़रीदेंगे, क्या रेट है उसके मुताबिक। जब हम ज़मीन ख़रीदेंगे उसके बाद हम सोचेंगे घर कैसा बनाए, कैसा हो। यकीनन आप उसका कोई मैप डिज़ाइन करवाएंगे। मैप डिज़ाइन करवाने के बाद आप जो नेक्स्ट स्टेप है, यकीनन कोई डेवलपिंग या डेवलपर्स को, इंजीनियर्स या आम लैंग्वेज में हम जिनको मिस्त्री बोलते हैं, मज़दूर बोलते हैं, हम उनसे डिस्कस करेंगे क्योंकि उन्होंने बनाना। उसके लिए उन्हें मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, वो हमारा घर बनाएंगे। घर का जब स्ट्रक्चर बन जाएगा फिर हम जो वुड से रिलेटेड वर्किंग है वो करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो वर्किंग है वो करवाएंगे। मीन्स हम स्टेप बाई स्टेप वर्किंग करेंगे, और इस सारी वर्किंग को अगर हम स्टेप बाय स्टेप नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर एक एक स्टेप लिख लें तो दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम, वेरी इजी। और एल्गोरिदम पहले सीखना क्यों ज़रूरी है कि आसान है। हम फॉर एग्जांपल कोई स्विमिंग सीखना चाहता है तो डायरेक्ट तो हम उसको समंदर में नहीं फेंक सकते भाई, वो डूब जाएगा। हम छोटे पॉन्ड में, फिर नहर में उसको स्विमिंग सिखाएंगे, फिर हो सकता है हम उसको दरिया में स्विमिंग सिखाएं, फिर उसको समंदर में फेंकेंगे। अगर आप एक अच्छे लेवल की क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो फिर पहले आपको घर से स्टार्ट लेना पड़ेगा, आपको भाइयों के साथ खेलना पड़ेगा, फ्रेंड्स के साथ खेलना पड़ेगा, फिर आप गली मोहल्ले में लोगों के दरवाजे और उनकी खिड़कियाँ, उनकी गाड़ियाँ तोड़ेंगे, उसके बाद फिर आप ग्राउंड में जाएंगे, फिर आप तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या पाकिस्तान लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे आप खेलेंगे। मीन स्टेप बाय स्टेप हम काम परफॉर्म करें। तो आसान अल्फाज में एल्गोरिदम क्या है कि हमारा कोई भी प्रॉब्लम है उसका हल हम जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस में अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में उसने एक एग्जाम्पल दी कि हम चाय बनाना चाहते हैं, हमारा एक मसला है, तो उसके लिए उसने स्टेप्स में लिख दिए। आप स्टार्ट करें, टेक अ कैटल लें, उसके बाद उसमें पानी डालें और उसको आग पे रखें, ऐड शुगर और मिल्क उसमें ऐड करें
और वेट करें जब तक वो बॉयल ना हो जाए, ठीक है, और उसके बाद आप उसको उतार लें। एंड तो हमारा एक प्रॉब्लम था, हम चाय बनाना चाहते हैं, हमने उस प्रॉब्लम को स्टेप्स में लिख लिया, तो दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ये तो आम कॉमन लाइफ की बात हो रही, हम कंप्यूटर से जो काम करवाना चाहते हैं वो मैक्सिमम हमारे जो काम होते हैं वो मैथमेटिकल काम से, ठीक है। अब तो हमारे सारे काम ही कंप्यूटर कर रहे हैं, लेटर्स, एप्लीकेशंस, हमारी कैलकुलेशंस, हमारी कम्युनिकेशन, हमारा डेटाबेस से रिलेटेड जितना काम है, नेटवर्क से रिलेटेड जितना काम है, अब तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, हर फील्ड में कंप्यूटर इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। गेम्स हम खेल रहे हैं, एंटरटेनमेंट है, हर काम ही कंप्यूटर परफॉर्म कर, ठीक है। तो अगर मैं उससे कोई मैथ से रिलेटेड काम करवाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं कंप्यूटर को कोई 4 नंबर दूँ, वो उनको ऐड करके मुझे उसका आंसर दे, तो इसका मैं एल्गोरिदम लिखना चाहता हूँ स्टेप्स में। कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं लिख रहा, एल्गोरिदम नेचुरल अपनी आम सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर लिख रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट 4 नंबर्स लेने पड़ेंगे, N1, N2, N3 and N4, 4 नंबर लूंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा कि इन 4 नंबर्स को ऐड करूंगा और इसका जो आंसर है वो सम में चला जाएगा। जैसे आम मैथ के अंदर हमने सीखा है कि कैसे 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद हम किसी तीसरे वेरिएबल को वैल्यू देते हैं, जब हमारा आंसर इसमें सम में चला जाएगा हम इसको प्रिंट करवा लेंगे सिंपल और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो मेरा एक प्रॉब्लम था कि मैंने 4 नंबर्स को ऐड करना है, तो उसके लिए मैंने एक एल्गोरिदम लिखा। तो स्टूडेंट्स दैट्स वेरी इजी। तो हम एल्गोरिदम बेसिकली सीख रहे हैं कि हम प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, हम सिंपल एल्गोरिदम लिखना सीखेंगे, फिर एल्गोरिदम को नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लो चार्ट्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। फ्लो चार्ट्स क्या है कि ग्राफिकली हम उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लाहौर जाना चाहता हूँ, एक तरीका है कि मैं स्टेप बाय स्टेप लिख दूँ कि मैं पहले घर से निकलूँगा, भाई से बोलूँगा कि मुझे अड्डे पर ड्रॉप करें, वहाँ से लाहौर की गाड़ी में बैठूँगा, बल्कि उससे पहले मैं टिकट बाय करूँगा, गाड़ी में बैठूँगा, फिर फलां जगह पे उतरूँगा, वहाँ से टैक्सी लूँगा या उबर लूँगा तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचूँगा। इसको मैं ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ पेपर के ऊपर, तो दैट इज़ कॉल्ड द फ्लो चार्ट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम कंप्यूटर की किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, पहले हम आसान काम करना सीखेंगे, छोटे छोटे काम करना सीखेंगे, एल्गोरिदम सीखेंगे, फ्लो चार्ट सीखेंगे, फिर उस फ्लो चार्ट को कंप्यूटर की किसी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखेंगे। लेकिन उसके लिए कोई लैंग्वेज भी सीखना ज़रूरी है। हम इंशाल्लाह मैट्रिक 10th क्लास में बेसिक लैंग्वेज सीखेंगे या पार्ट 2 के अंदर हम सी लैंग्वेज सीखेंगे, तो फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि एल्गोरिदम से हम फ्लो चार्ट और फ्लो चार्ट से उसको कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।